एवरीवन, आई एम शालू, आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 2 मई से लेकर 8 मई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके जोड़ी एक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए। यदि आपको आपका जोड़ी साइन नहीं पता है तो सभी जोड़ी साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना जोड़ी साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एक्वेरियंस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Aquarians, professional life for the coming week. Aquarians, professional life for the coming week. The Devil, the Hierophant, Four of Swords. So Aquarians, for the beginning of the week we have the Devil card. एक वर्कोहोलिक का कार्ड है, एक वर्कोहोलिक की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं काम में, एक जुनून की हद तक काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक ऑब्सेशन की तरह आप अपने काम को लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि काम को लेकर अपने लाइफ के अदर एरियाज को नेगलेक्ट मत करें, काम करें लेकिन इतना भी काम में मत डूबें कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर दें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द हायरोफेंट कार्ड। सो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं, सो दैट यू मे गेट द अपॉर्चुनिटीज टू मूव अहेड। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, या किसी रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। मेडिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तो अपने जो है डेली रूटीन में योगा और मेडिटेशन को इंक्लूड करें, दैट विल बी गुड फॉर यू। For the end of the week, we have Four of Swords. So you are very tired, very exhausted, very stressed out. और अब आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं अपने काम से, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि सेल्फ केयर पे फोकस करें, थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा रिजुविनेट करें। चलिए देखते हैं एक्वेरियंस, आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। Aquarians, personal life for the coming week. Aquarians, personal life for the coming week. Aquarians, personal life for the coming week. Two of Cups, the Wheel, Knight of Pentacles. So Aquarians, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है आपके वीक की Two of Cups के साथ, तो किसी तरह की पार्टनरशिप, किसी तरह की कमिटमेंट होती हुई नजर आ रही है। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रोका या एंगेजमेंट हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है। अगर अभी तक सिंगल थे तो हो सकता है कि किसी के साथ आप एक रिलेशनशिप में बंधे, हो सकता है किसी फ्रेंड के की तरफ से ही आपको कुछ प्रपोजल आए और एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो। तो और जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत ही एक हार्मोनियस, एक टुगेदरनेस, एक जो है हार्मनी वाला ब्यूटीफुल पीरियड नज़र आ रहा है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द व्हील। सो अ लकी पीरियड इज गोइंग टू बी देयर। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज चल रही थी, चैलेंजेस चल रहे थे रिलेशनशिप में, तो वो पीछे छूटने को है और एक अच्छे दौर की शुरुआत होने वाली है आपके लिए। आपकी जो रिलेशनशिप अगर स्टैग्नेंट थी, कुछ ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, तो उसमें भी आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकती है, कुछ कमिटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड था रहेगा आपके लिए रिलेशनशिप को, अपने जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक स्टेबल, एक हार्मोनियस, एक अच्छा टाइम रहेगा एंड ऑफ द वीक भी आप लोगों के लिए। आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सिक्योर है,
कुछ लोगों के लिए जो है फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, मटेरियल सिक्योरिटी जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट इन योर रिलेशनशिप. देखते हैं आपके लिए जो क्या गाइडेंस है. न्यू मून इन कैंसर कार्ड का मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. तो अगर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लव्ड वंस को लेकर किसी भी तरह की चिंता है तो उसको चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं. तो कुछ भी वरीज हैं, कुछ भी स्ट्रेस है, कुछ भी टेंशन है तो उसको अपने दिल से निकाल लीजिए. एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आप और आपके जो लव्ड वंस हैं दे आर ब्लेस्ड, दे आर हैप्पी, दे आर प्रोटेक्टेड. तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें. एंड टू सी मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर.